एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा आयोजित किए थे वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसीलिए राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित हुए थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद बुद्ध को सभा में जाने से मना करता था कि आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, वहां के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ना जाने वहां आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपने करुणा की वजह से अपने आप को उस सभा में जाने से नहीं रोक पाए। सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास होता कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध ना दे पाए। परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे देते थे। सभा में बैठे सभी लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से पूछ ही लेते हैं और उन्हें प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। तभी अचानक वहां एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य की राह में चलने की दिशा निर्देश देते हैं, क्या आपके भीतर थोड़ी सी भी दया नहीं कि आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है, क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं। उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल मच जाता है, लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि औरत के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने घुटने टेक देते हैं, तो फिर यह बुद्ध क्या चीज है। उसी में कोई और खड़ा होता है और बोलता है कि हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना भी नीचे गिर सकता है। इसी तरह सभी के सभी लोग खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कहते हैं, बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है कि बुद्ध आप अपने सफाई में क्या कहना चाहोगे। और वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था, वे चाहते थे कि कैसे भी बुद्ध बदनाम हो जाए। यहां पर एक जरूरी बात आपको समझना चाहिए कि इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था और ना ही लोगों के अशब्दों का बुद्ध पर कोई असर था और उस स्त्री के झूठे आरोप का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे, वे अपने नजर में सही थे। सूत्र यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपने नजर में सही है, अगर आप अपने आप को जानते हो कि आप सत्य के साथ खड़े हो, तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सभा के सभी लोग संदेह में थे, वहां तक कि बुद्ध के कुछ शिष्य में भी संदेह आ गया था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वह क्या है, इसीलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। राजा बुद्ध से कहते हैं कि क्या आप अपने सफाई में कुछ कहना चाहेंगे। बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कहते वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगी। असत्य को सहारा लेने का कारण है कि अपने भीतर डर का बीज बो रहे हो। अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है, अगर यह गलत साबित होता है तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या सजा दिया जाएगा।
उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहां से दौड़ने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो भी गठरी बांध रखी थी वह जमीन पर गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट पर गठरी इस तरह बांध रखी थी जैसे लग रहा था कि वह स्त्री गर्भवती है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका धैर्य और आपका अपने ही नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ है, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि गौतम बुद्ध की इन बातों को आप अपने जीवन में अमल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।